कौन है बे तू, नाम क्या है तेरा, नया आया क्या, ये मुंह में जबान नहीं है क्या। सूर्या, अबे कौन सूर्या, छोड़। प्रताप रवि को बम से उड़ाने की कोशिश की थी, ये वही है, ये वही है। तू साला प्रताप रवि को मारने का कोशिश किया, प्रताप रवि, सैल्यूट है उस्ताद। लेकिन काय को सिर्फ मेरे खुद के लिए नहीं, लोगों के लिए किया। मेरे अपने ऐसा क्या हुआ था, 8-10 ऐसे लोगों को तो मैं भी जानता हूं जो प्रताप रवि को हर कीमत पर मारना चाहते हैं, और उसे मारने का कारण भी है उनके पास, लेकिन इतनी नजदीक कोई नहीं पहुंचा। और डरने लगा तुम्हें? इंसान तभी डरता है जब वो जीना चाहता है, और वो जीना चाहता है खुश रहने के लिए, और मेरी खुशी उसकी मौत में है। मैं मारने को तैयार हूं, और उसके लिए मरने को भी तैयार हूं। क्या किया? आनंदपुर से दूर मैं शहर में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी शुरू करने की तैयारी में था। हाँ पापा, बहुत मुश्किल से यह कॉन्ट्रैक्ट मिला है। काम शुरू करने के लिए कुछ पैसे उधर चाहिए, कुछ दिनों में वापस कर दूंगा। अरे वापस करने की बात कहाँ है बेटा, इस सब तो तेरा ही है। लेकिन तू इतना खुददार है कि आज तक हमारी बनाई दुनिया से दूर ही रहा। मैं खुश तो नहीं, लेकिन इसकी वजह समझ सकता हूँ। मुझे तो चिंता है तेरे छोटे भाई चंदू की, क्या सब वो अकेले संभाल सकेगा? चंदू जज्बाती है लेकिन अकलमंद भी है, वो संभाल लेगा। लेकिन बेटा तुझे ये आनंदपुर से इतनी नफरत क्यों है? नफरत जगह से नहीं, लोगों से होती है पापा। बात बात पे वहां पर होने वाला ये खून खराबा मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। बेटा यहाँ लोग जानबूझकर मजाक के लिए खून खराबा नहीं करते, वो यहाँ की जरूरत है। खैर एक दिन तो वो समझ जाएगा। तुम्हारी माँ तुमसे बात करना चाहती थी शादी के बारे में। शादी कर ले? क्या? मैंने पूछा शादी कर ले? ये शादी कोई चाय है, चलो आप पी लेते। ऐसे फैसले लेने से पहले बहुत कुछ सोचना चाहिए। अरे अरे सुन रहे हैं, ये जनाब कह रहे हैं कि इन्हें सोचना चाहिए। अरे क्या? अरे क्या सोचना चाहिए, मैं इनसे प्यार करती हूँ और ये मुझसे। डोंट डू दिस। मेरे पापा इन्हें पसंद नहीं करते, पर उन्हें ये बात पसंद है कि इनके पापा बहुत बड़े आदमी हैं और इनके पापा के पास इतनी प्रॉपर्टी है। अरे बात तुम्हारे मेरे पापा की नहीं, काम करो यार, हमारी है। कमिया, मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला है, टाइम पे खत्म करना है, लेकिन बिल्डर्स का फाइट, वर्कर्स का स्ट्राइक, रॉ मटेरियल, सीमेंट का प्राइस एंड मुझे पता है सूर्या, ये सीमेंट, ये रेत, यही तुम्हारा पहला प्यार है ना? पहला दूसरा पता नहीं, पर प्यार तो है। मकान बना, बातें नहीं।
हेलो, हाँ बोल चंदू। क्या सामने कटार से पापा को मार डाला उस रवि ने। पुलिस वाले बोलते हैं कि कोई प्रूफ नहीं है, मुझे किसी प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है। मैं उस हरामजादे को ना, चाहे वो कहां भी छुपा हो, उसे उन जंगलों से खींच के निकाल कर सड़क पर लाकर मारूंगा, उस साले हरामी को। तुमने अपने भाई को सुना। मेरा दूसरा डर ये है कि तुम तो जानते हो तुम्हारे पापा नागमणि पर कितना भरोसा करते थे। जमीन जायदाद और कानूनी कागज उनके लिए सब नागमणि देखता था। हमारा बहुत सारा पैसा अब उसके हाथ में है, पता नहीं वो क्या करेगा। सूर्य, तुम लोगों के पैसे देना तो छोड़, उल्टा मुझे आने का है तुम लोगों से। तुम्हारा बाप को मुझे देना नहीं है, तुम्हारा बाप से मुझे लेने का है। तुम्हारे पापा का भरोसा करके उन पे बहुत कुछ छोड़ा था मैं, बहुत कुछ सचमुच। इतना बड़ा ट्रेजडी हो गया, वो जैसे अचानक चले गए। इसलिए कि ट्रेजडी हो गया तो मैं तुम्हारे पापा को दिया हुआ कर्ज छोड़ देता हूँ। समझ गया ना? ये सब साला उस प्रताप की वजह से हो रहा है। उसे मारे बिना हमारी कोई मुसीबतें खत्म नहीं होंगी। चंदू जज्बाती होके क्या मिलेगा? उसे मारना ज्यादा जरूरी है कि पहले अपने घर परिवार को संभालना। तू एक दो दिन मातम पोषी के लिए चलता रहन, डरबोक साले। हे, अगर मैं सिर्फ अपने दिल की सुनूं, तो इस रवि के टुकड़े टुकड़े करना चाहता हूँ। क्या है ये? किस कीमत पर? पापा बाप बता जाएंगे। और अगर इस कोशिश में तुम्हें या मुझे कुछ हो गया तो क्या माँ और बहन सड़क पर भीख मांगेंगे? मैं बैंगलोर में एक कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि हम सब वहीं चलकर रहे, इस सब से दूर। ये पाप, ये खून खराबा, ये दुश्मनी, ये सब नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तुम मुझे डरपोक समझते हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। चंदू बस इतना समझ, प्रताप रवि की मौत अपनी मां और बहन की हिफाजत से बड़ी नहीं है। सॉरी, जो कुछ भी हुआ मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया। पता नहीं अब ये सब के बाद तुम्हारे पापा क्या सोचेंगे मेरे बारे में। वो कुछ भी कहें, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। हेलो भैया। हाँ चंदू। भैया प्रताप ने नागमणि को मार दिया। चंदू उसे अपना क्या लेना देना है, बस याद करो जो मैंने तुमसे कहा। मैंने एक घर देख लिया है, बहुत जल्दी तुम सबको मैं यहां ले आऊंगा, ठीक है?
I love you too. नागमणि रेड्डी का मर्डर करने के बाद अपनी ताकत की भूख मिटाने और अपने जुर्म पे पर्दा डालने के लिए प्रताप राजनीति में आ गया। एक मसीहा के बेस में राक्षस बन गया, अपनी कई एक्शन टीम बना के हमारे बहुत सारे लोगों को मरवा दिया। फिर भी मैं अपने और अपने लोगों के उफनते गुस्से को काबू में रखने में कामयाब हुआ। कानून और सिस्टम पे भरोसा कर मैंने और मेरे भाई ने पुलिस स्टेशन में रवि के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन पुलिस भी रवि के टुकड़ों पे पल रही थी। ये मैं बस सहता गया क्योंकि मुझे मेरी फैमिली की परवाह थी। कुछ महीनों के बाद एक त्योहार पे भवानी को लेके मैंने घर जाने का सोचा। Thank you.
देखा मैंने, मेरी बहन पूरी जली हुई थी, अपने भाई को देख ही नहीं पाया, वो पूरा बिखर गया था। जिस परिवार को बचाने के लिए मैं अपने बदले को भूल गया, उसी परिवार को उसने खत्म कर दिया। अब मेरे पास सिर्फ बदला।